हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। इस वक्त मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है लंकन प्रीमियर लीग के दूसरे सेमीफाइनल की खबर मैं आपको बता दूँ कि किसने जीता दूसरा सेमीफाइनल। मैं आपको बता दूँ जैफना और दम्बोलिया के बीच ये मैच था सेकेंड सेमीफाइनल। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो जैफना की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया, जिसमें अगर बात की जाए अविष्का फर्नांडो ने 39 रनों की जबरदस्त पारी खेली और जॉनसन चार ने 76 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इसके अलावा अगर बात की जाए आखिर में तो हजरंगा ने 14 रनों की पारी खेल के टीम को 165 तक पहुंचा दिया। अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो मैं आपको बता दूं लाहौर कमेरे ने 1 विकेट लिया और पुष्पक कुमारे ने 2 विकेट लिए। अगर बात की जाए जब गेंदबाजी करने आई जैफना की टीम तो दम्बोलिया की शुरुआत बहुत ही ख़राब रही, तो सुमित पटेल ने सिर्फ 10 रन बनाए। नवरोशन डिकविला ने थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करते हुए 29 रनों की पारी खेली और एंजुलो परेरा ने 5 रन बनाए। उपल तुरंगा ने भी 33 रनों की पारी खेली, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 84 की रही। इसके अलावा अगर बात की जाए रमेश मेंडिस ने 26 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सका और ये मैच जाफना की टीम ने 37 रनों से जीत लिया। और अब जाफना की टीम फाइनल्स में 16 तारीख को उनका फाइनल्स, अब वो फाइनल्स में पहुँच गए हैं। अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो धनंजय डिसिल्वा ने 1 विकेट लिया और हजरंगा ने 3 विकेट लिए, बाकी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया। अगर बात की जाए मैन ऑफ द मैच की तो मैन ऑफ द मैच तो जॉनसन चार्ज को जबरदस्त पारी की वजह से मैन ऑफ द मैच हासिल हो गया और जाफना की टीम फाइनल्स में पहुंच गई। बात की जाए दूसरी खबर की, ये खबर निकल के आ रही है बिग बैश लीग के मैच के हवाले से, तो मैं आपको बता दूं ये मैच सिडनी थंडर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला गया था। अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो मैं आपको बता दूं ब्रिस्बेन हीट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया, जिसमें अगर बात की जाए तो मैक्स ब्रैनिट ने 29 रनों की पारी खेली, क्रिस लिन ने 69 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और वाइडर मोड ने 31 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली 281 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो डेनियल सैम ने 2 विकेट लिए 32 रन देकर और जनथन कुक ने 2 विकेट लिए और क्रिस ग्रीन ने भी 1 विकेट लिया। अगर बात की जाए जब बल्लेबाजी करने आई सेंडीज थंडर की टीम की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रही, उस्मान ख्वाजा ने 17 रन बनाए लेकिन एलेक्स हेल्स ने कोई भी रन नहीं बनाया। अगर बात की जाए कलम फर्गसन ने भी 1 भी रन नहीं बनाया। एलेक्स रॉस ने 34 रनों की पारी खेली लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। अगर बात की जाए ज़बरदस्त बल्लेबाजी तो डेनियल सैम द्वारा, जिन्होंने 65 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली सिर्फ 25 बॉलों पर 7 छक्कों की मदद से, और सिडनी थंडर्स ने यह मैच 4 विकेट से जीत लिया और 180 रन चेज भी की। सबसे ज़बरदस्त गेंदबाजी जैक वेडरमोड ने की, जिन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट लिए, बाकी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया। अगर बात की जाए मैन ऑफ द मैच की तो मैं आपको बता दूं डेनियल सैम को ज़बरदस्त पारी और विकेट युक्तों के साथ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ मैन ऑफ द मैच हासिल हो गया। बात की जाए तीसरी खबर की, ये खबर निकल के आ रही है जस्टिन लंगर के हवाले से, इस वक्त की बड़ी खबर। जस्टिन लंगर के मुताबिक जो कैमरन ग्रीन है उसको टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलेगा 17 दिसंबर से होने वाली टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन अगर वो जो टेस्ट उसका टेस्ट लिया जाएगा अगर उसमें वो फिटनेस टेस्ट में पास हो जाता है तो वो 17 दिसंबर से होने वाली टेस्ट सीरीज़ में शामिल होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।